हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सिंथेसिस विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th एंड 12th यूपी बोर्ड एंड दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इन ग्रामर विच विल टेक सो मच टाइम एंड अटेंशन. ओके, सो व्हाट इज सिंथेसिस? सो सिंथेसिस इज़ अ mean synthesis means combination of two or more simple sentences into one simple compound or complex sentence. So in short, agar hum isko samjhe ki kya hota hai synthesis, to jab hum do ya do se zyada simple sentence ko combine karke ek simple ya fir ek compound ya ek complex sentence banate hain to use hum synthesis kehte hain. Again, to दैट मीन्स कि हमेशा हम किसको कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हम इन तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं, उसे ही हम सिंथेसिस कहते हैं. तो सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, कुछ नया बनाना. तो विच इज़ कॉम्बिनेशन होता है ये दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस का, और उन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं और हम इनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से सिंपल है, कौन से कंपाउंड है, कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं. सो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है. व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब? सो फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच चेंजेस विद सब्जेक्ट. फाइनाइट वर्ब इज वर्ब which changes with the change of subject. और हम इसको main verb भी कह सकते हैं. For example, अगर यहाँ लिखा है he speaks, तो यहाँ पे ये हमारा subject है, singular subject है, और यहाँ हमने लिखा है speaks, बोलता है. अगर मान लो यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे ही की जगह पे हम यू कर देते हैं, देन इन दैट केस यहाँ पे जो स्पीक्स है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? स्पीक बन जाएगा. सो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज होती है तो उस तरह की वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. जैसे ही के साथ हमेशा इज़ यूज़ होगा और यू के साथ आर यूज़ होगा, तो सब्जेक्ट चेंज होने पर वर्ब चेंज हो गई, तो इसलिए ये जो वर्ब्स होती हैं ये हमारी फाइनाइट वर्ब होती है. तो इन शॉर्ट, कोई भी वो वर्ब जो सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो जाए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. देन सेकेंड आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है. तो क्लॉज हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. सो आप उसको रिवाइज कर लो. कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक, यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और सेकेंड क्लॉज जो होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, लेकिन जो सेकेंड क्लॉज होता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. और इन दोनों में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो कंजंक्शंस का होता है, क्योंकि कंजंक्शंस की हेल्प से और सर्टेन रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा क्लॉज है, किस तरह का वो सेंटेंस है. सो बस इतना याद रखना है कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक ही वर्ब होती है. कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. तो अब हम तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनको फॉर्म करने के लिए, इनको फॉर्म करना अलग अलग वेज से ही सिंथेसिस कहलाता है. तो जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसे ही हम सिंथेसिस कहते हैं. अब ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, बिकॉज हमें सिंपल सेंटेंस, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है इसके बहुत सारे रूल्स हैं, देन कंपाउंड के बहुत रूल है, एंड देन कॉम्प्लेक्स के बहुत रूल है. सो आज बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं अबाउट दिस टॉपिक. सो फर्स्टली हम बात करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के कितने रूल्स हैं,
और उसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक एक रूल्स, उसके भी अलग अलग सब पार्ट्स हैं, उसकी कंडीशंस हैं, उसके रूल्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर रिवीजन नहीं करोगे आप लोग तो। ओके, तो चीफ वेज ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सो इसको याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के हमारे पास 6 रूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कुछ ऐसे भी इसमें रूल्स होंगे जिनके सब पार्ट्स भी हैं, तो आपको उसको भी याद करना और उसको डिफरेंशिएट करना एंड उसकी कंडीशंस वगैरह भी हमें देखनी है आगे। ओके, तो फर्स्ट होता है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। यहाँ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है पहले ये मैं क्लियर कर देती हूँ यहीं पे। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ यूज एज कंजंक्ट एज एडजेक्टिव। एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जब वो किसी एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है तो उसे ही हम पार्टिसिपल कहते हैं। तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है जिसमें हैविंग होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं। देन आता है बाई यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो नाउन और नाउन या फ्रेज क्या होता है ये पढ़ा हुआ है, उसका यूज़ हम अपोजिशन में जब करते हैं, जब हम सब्जेक्ट के बगल में उनका यूज़ करते हैं तो उसको कहा जाता है। देन बाई यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड, नाउन और जेरेंड के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ करके भी सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके, तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट एंड एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसको रिमूव कर देना। सो ये डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज़ करके, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, तो इन्फिनिटिव का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके। एंड लास्ट होता है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्ब को या फिर एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल करके भी हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास 6 मेथड हैं एंड कल से हम लोग एक एक मेथड पढ़ेंगे, एक एक हम सिंपल सेंटेंस बताते जाएंगे एंड बुक्स वगैरह अगर हो तो एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी इसकी, बिकॉज इट विल टेक योर टाइम एंड रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये 6 कंडीशंस होती हैं केवल एक सिंपल सेंटेंस की, आगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता है तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज इट ऑन द रेगुलर बेसिस एंड या इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू।